गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पतिन पंचयितां संस्मरण नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री मद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। बिहार के सहरसा जिले से प्रश्न आया हुआ है। प्रश्नकर्ता है नवीन कुमार झा, शांडिल गोत्रीय विप्र। इनका सार्वजनिक प्रश्न है। देखिए, ये पूछ रहे हैं कि देवी और देवता दोनों पर बिल्वपत्र एक ही जैसे चढ़ाना चाहिए या चढ़ाने की अलग अलग विधि है। जैसे कि देवता पूजन में बिल्वपत्र का कोमल भाग नीचे एवं कठोर भाग ऊपर चढ़ाते हैं, क्या देवी के पूजन में भी इसी प्रकार चढ़ाया जाए या इसके विपरीत है। देखिए, पुष्प या पत्र समर्पित करने की भी विधि है। हमारे यहाँ छोटी छोटी चीज की भी विधि है। हर वस्तु को समर्पित करने की, हर समय में बर्ताव की, छोटे छोटे देखने में कार्य लगते हैं, परंतु उसका सबका शास्त्रीय विधान है कि वह कैसे करना है। विधि पूर्वक करने पर ही वो संपूर्ण फल को देने में समर्थ होता है। तो सामान्य रूप से कहीं भी बिल्वपत्र के देवी पर समर्पित करने की और देवता पर समर्पित करने की विधि में कोई फर्क नहीं है, परंतु वो विधि क्या है जिस रूप में देवी और देवता पर बिल्वपत्र आदि समर्पित किए जाते हैं। गंधोदकेन चैतान्य त्रि प्रोक्षैव प्रपूजयेत। तत्वसार संहिता में लिखा हुआ है कि गंधोदक से पहले जो भी पुष्प पत्र आदि हों उनका प्रोक्षण करना चाहिए, फिर देवता पर समर्पित करें। समर्पित कैसे करें? तो यथोत्पन्नम तथार्पणम। जैसे जो उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के समय पर जो भाग ऊपर रहता है तो उसको ऊपर करके चढ़ाएं, जो नीचे रहता है तो उसको नीचे। जैसे वृक्ष में जो पत्ते पुष्प फल लगते हैं वैसे ही सीधे सीधे उनको समर्पित करना चाहिए, उल्टा नहीं करें। जैसे फल आदि में डंठल ऊपर होता है, फल नीचे होता है, तो समर्पित करते समय भी डंठल ऊपर और फल नीचे की तरफ लटकता हुआ इसी रूप में समर्पित करना चाहिए। क्योंकि लिखा हुआ है त्रिच भास्कर ग्रंथ में कि यथोत्पन्नम तथार्पणम, जैसे उत्पन्न होता है वैसे ही अर्पित करना चाहिए। क्या कि पत्रम वा यदि वा पुष्पम फलम नेष्ट मधोमुखम। चाहे पत्र हो, चाहे पुष्प हो, चाहे जो है फल हो, अधोमुखम नेष्टम, उसको उल्टा चढ़ाने में वो फलीभूत नहीं होता, वो इष्ट फल को देने में समर्थ नहीं होता। परंतु अब इसका प्रतिप्रसव बता रहे हैं, जो है निषेध और निषेध का फिर विधि, उसको प्रतिप्रसव कहा जाता है कि दूर्वाह स्वाभिमुखाग्राह्या स्युर बिल्व पत्र मधोमुखम। बोले दूर्वा, दूर्वांकुर, जो दूर्वांकुर बिल्कुल हरित होना चाहिए, शुद्ध जगह की लाई हुई होनी चाहिए, जिसमें पांच या जो है सात पत्ते लगे हों और उनको भी अपनी ओर मुख करते हुए, दूर्वा का जो मुख होता है वो अपनी तरफ करते हुए, बिल्व पत्र का भी अपनी ओर मुख करते हुए, तुलसी मंजरी का भी अपनी ओर मुख करते हुए समर्पित करना चाहिए। दूर्वा स्वाभिमुखाग्राह्या स्युः और बिल्वपत्र मधोमुखम। बिल्वपत्र को हर हमेशा, यहां देवता का नाम नहीं लिया गया है कि शिवजी पर अधोमुखम, ऐसा नहीं कहा गया है। सभी देवी देवताओं पर बिल्वपत्र जहां भी समर्पित करने का विधान है, सूर्य भगवान को छोड़कर के अन्यत्र सभी देवताओं पर बिल्वपत्र चढ़ाने का विधान है, तो वो अधोमुखम, जैसे पत्ता ऐसे लगता है तो ऐसे न लगकर उसको ऐसे चढ़ाना और वो अपनी तरफ मुख करते हुए, और डंठल को उधर और उसका अग्रभाग अपनी ओर होना चाहिए।
तुलस्यादि पत्रम आत्माभिमुखम निब्जमेव समर्पणीयम। तुलसी आदि के भी पत्ते आप उल्टे चढ़ा सकते हैं। तुलसी का पत्ता ऐसे लगता है तो उसको उल्टा आप चढ़ा सकते हैं। तुलसी आदि पत्रम आत्माभिमुखम, तुलसी आदि का भी पत्ता आत्माभिमुख, अपनी तरफ को उसकी नोक होनी चाहिए, डंठल उधर होना चाहिए, ऐसे चढ़ाया जाएगा। तुलसी आदि पत्रम आत्माभिमुखम निब्जम एव समर्पणीयम। ये प्रतिष्ठा सार दीपिका का वचन है कि उसको अपनी ओर चढ़ाए और वो भी बिल्वपत्र की तरह अधोमुख चढ़ाया जाए, तुलसी पत्र और बिल्वपत्र भी। और तुलसी पत्र और बिल्वपत्र के अलावा जो पत्ते हैं वो उनको सीधा चढ़ाया जाए या उल्टा चढ़ाया जाए, तो कहते हैं कि इतर पत्राणाम अप्य ऊर्ध मुखा धो मुखा मनयोर विकल्प। आचार्येंदु का वचन है कि तुलसी पत्र बिल्व पत्र के अलावा इतर जो पत्र हैं, माने इनके अलावा जो पत्ते हैं जो देवता पर समर्पित करने के लिए विहित हैं, उन पत्रों को ऊर्ध्वम अधोमुखम्बा, ऊपर की ओर मुख करते हुए यथोत्पन्न या उल्टा, दोनों भी तरीके से उनका समर्पण हो सकता है। अनयोर विकल्प, इन दोनों विधियों में विकल्प है। मुख्य रूप से बिल्व पत्र और तुलसी पत्र को अधोमुख चढ़ाने का विधान है। तुलसी पत्र को उत्तान या अधोमुख दोनों ही चढ़ा सकते हैं, लेकिन बिल्व पत्र को तो हमेशा उल्टा ही चढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। और सामान्य रूप से जैसे कहा गया है कि पत्रम पुष्पम फलम जो भी हैं उन सबको यथोत्पन्न प्रदान करना चाहिए, वो भी सही है। परंतु पत्रों में समर्पित करने का शास्त्रों में विकल्प है। तो अब चढ़ाए कैसे, हाथ में पकड़ करके ऐसे अंजलि में भर करके पुष्पों को चढ़ाए, या जो है किसी अंगुली विशेष से पकड़ करके चढ़ाए, कैसे बिल्व पत्र आदि को पुष्पों को कैसे पकड़ करके चढ़ाया जाए, तो वो आगे बतलाते हैं कि मध्यमा नामिका अंगुष्ठ पुष्पम संग्रही पूजये। चिंतामणि का वचन है कि अंगुष्ठ और अनामिका और मध्यमा, इन तीन अंगुलियों से पुष्प को पकड़ करके, बिल्व पत्र को पकड़ करके, दूर्वा या तुलसी आदि पत्तों को पकड़ करके समर्पित करना चाहिए। तो वो जैसा है वैसे वैसे समर्पित कर दे वे, अथवा उनको जो है बिल्व पत्र और दूर्वा अंकुर तुलसी दल को आत्माभिमुख ऐसे उनको समर्पित करना चाहिए। मध्यमा नामिका अंगुष्ठी पुष्पम संग्रही पूजये, ये जो वचन है। और अब उतारने की भी विधि साथ में आप देख ले कि जो पुष्प आपने समर्पित किए हैं सुबह जो है पूजन करने में या मध्यान्ह में भी जो पुष्पादि समर्पित किए जाते हैं, पुष्पांजलि दी जाती है, जब पुष्पांजलि देते हैं तो वहां ये शारदा तिलक इत्यादि ग्रंथों में, तांत्रिक ग्रंथों में ये विधान है कि वह पुष्पांजलि में रखे हुए पुष्प पत्र आदि की स्थिति पर विचार न किया जाए। वो तो जैसे हैं, आपने पुष्प भर लिए, पत्ते भी ले लिए, सब पुष्प पत्र आदि लेकर के बाद में पुष्पांजलि समर्पित करते हैं, या बीच बीच में भी जहां जहां पूजन में पुष्पांजलि समर्पित करने का विधान है तो वहां उस पुष्पांजलि के मध्य में कुछ पुष्प अधोमुख रखे हैं, कुछ ऊर्ध्वमुख रखे हैं, कुछ त्रियक मुख रखे हैं, तो उनका विचार नहीं। इसी प्रकार कुछ पत्र आत्माभिमुख रखे हैं, कुछ पराभिमुख रखे हैं, तो उनका कोई विचार नहीं है, वो तो भर करके जैसे हो वैसे ही समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा जो है शारदा तिलक ग्रंथ में और मंत्र महोदधि आदि ग्रंथों में ये प्रतिपादित है। तो अब इस प्रकार से आपने पूजन किया और पत्र पुष्प खूब देवता पर समर्पित करना चाहिए, इनका बड़ा महत्व है। चंदन पुष्प मुख्य है पूजन में, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि घिसा हुआ चंदन और पुष्प तुलसी आदि ये देवता पर खूब समर्पित करना चाहिए, ये ही मुख्य हैं। इनमें कोई विशेष जो है पैसे की जो है जरूरत नहीं है, आप पुष्प पत्र आदि वैसे भी अपने हाथों से तोड़ सकते हैं। लिखा हुआ भी है कि अपने हाथों से मैं लेकर के आया हूँ और वो आपको समर्पित कर रहा हूँ, देवता से तो यही कहते हैं
कि माल्यादीन सुगंधिनी मालत्यादीन वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थम वै प्रतिगृह्यताम। तो मया हृतानि, मया आहृतानि, मेरे द्वारा लाए गए, तोड़े गए, संग्रहित संग्रहित किए गए इन पुष्पों से मैं आपकी अर्चना पूजन पूजा और यजन कर रहा हूँ। ये जो है मंत्र का अर्थ है, इस रूप से उनको समर्पित किया जाता है। तो जब समर्पित हो गया तो सायंकाल को जो है फिर उनका देवताओं का अर्चन होता है पंचोपचार आदि से, तब वो सुबह के चढ़े हुए जो पुष्प आदि हैं, जो निर्माल्य हैं, उसका अपनोदन होता है, यानी कि वो निर्माल्य वहाँ से हटाया जाता है। तो हटाए कैसे, किस हाथ की किन अंगुलियों से पकड़ करके उन पुष्पों को हटाएं, ये भी शास्त्रों में जो है विधान किया गया है। देखिएगा, ये कालिका पुराण का वचन है, वहां बतलाया गया है कि कैसे देवता से निर्माल्य का अपनोदन करे। कहते हैं अंगुष्ठ तर्जनी भ्याम तु निर्माल्यम अपनोदये, अंगुष्ठ और तर्जनी से, इनसे पुष्पों को पत्रों को हटा हटा करके और वहां से निर्माल्य का अपनोदन करना चाहिए। अंगुष्ठ तर्जनी भ्याम निर्माल्यम अपनोदये, इनसे निर्माल्य का अपनोदन करना चाहिए। देवता पर जो पत्र पुष्प फल आदि चढ़ाते हैं तो विभिन्न प्रकार के पत्रों के चढ़ाने के अलग अलग मंत्र हैं। सामान्य रूप से जो पुष्पों को समर्पित करने के जो मंत्र हैं, ये पुष्प पत्र फल ये जो समर्पित किए जाते हैं, ये मुख्य रूप से ये पुष्प उपचार के ही उपभेद हैं। या षोडशोपचार में यहाँ पुष्प है तो उसी से, अथवा फिर देखेंगे आप मंत्रों के पौराणिक मंत्रों में, वैदिक मंत्रों में, आगमोक्त मंत्रों में, सब में जो है सबके अलग अलग मंत्र भी हैं। पत्र का अलग, पुष्प का अलग, पत्रों में भी बिल्व पत्र का अलग, तुलसी पत्र का अलग और कमल पुष्प का अलग मंत्र। फिर जो है कुछ देवताओं के लिए अलग होते हैं, जैसे भगवान शंकर के लिए धत्तूर फल है तो धत्तूर फल के पुष्प के अलग मंत्र हैं। इस तरीके से भी वो जो है देवता के लिए मंत्र मिलते हैं। तो यदि आपको मंत्र का ज्ञान है तो बहुत अच्छा है। यदि मंत्र का ज्ञान नहीं है तब भी आप देवता की पूजा और अर्चना करें, उसका भी बड़ा फल है। और मंत्र पूर्वक करेंगे तो फिर जो है महती कृपा के भाजन बनेंगे। देखिए पूजा प्रकाश एक ग्रंथ है, उसमें क्या कहा गया है कि अयम विनैव मंत्रेण पुण्य राशि प्रकीर्तितः। अयम विधि, पुष्पार्चन विधि, बिना मंत्र के भी और जो महती कृपा करने वाली है, पुण्य राशि प्रकीर्तितः, पुण्य राशि को प्रदान करने वाली है ये विधि। परंतु स्यादयम मंत्र युक्तश्चेत् पुण्यम शत गुणोत्तरम्। यदि कोई व्यक्ति मंत्र युक्त होकर के और भावना युक्त होकर के विधि पूर्वक यदि भगवान पर पत्र पुष्प आदि समर्पित करता है तो पुण्यम शत गुणोत्तरम्, तो फिर उसका पुण्य 100 गुना और बढ़ जाता है। तो उपचार के साथ में भावना और मंत्र, श्रद्धा, विश्वास, ये सब होना चाहिए तो उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। एक बात और देखिएगा, बिल्व पत्र की बात कर रहे हैं तो बिल्व पत्र को तोड़ते समय भी मंत्र बतलाया गया है कि बिल्व पत्र को आप भगवान शंकर के लिए लेकर के आए तो वहाँ आचार्येंदु में जो कर्मकांड का ग्रंथ है उसमें मुख्य रूप से, तो ये जो है संग्रह ग्रंथ हैं, इनको यहाँ प्रतिपादित किया गया है कि बिल्व पत्र तोड़ने में भी मंत्र का प्रयोग होना चाहिए। कैसे जो है मंत्र को रखना है, बिल्व पत्र को तोड़ करके रखना है, बिना छिद्र वाले कोमल और बढ़िया श्रेष्ठ पत्तों को लाए तो बिल्व पत्र से जाकर के पहले प्रार्थना करें कि अमृतोद्भव श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा, गृहणामि तव पत्राणी शिव पूजार्थमादरात्। हे अमृत से उत्पन्न होने वाले श्री वृक्ष बिल्व वृक्ष, आप सदा भगवान शंकर के प्रिय हैं,
ग्रहणामि तव पत्राणि, मैं आपके पत्रों का को ग्रहण करता हूँ, किस लिए, शिव पूजार्थम आदरात, आपसे आदर पूर्वक विनय पूर्वक प्रार्थना करते हुए शिव पूजन के लिए मैं जो है पुष्प पत्र आपसे ले रहा हूँ, आप जो है अनुमति प्रदान करें। इस रूप से प्रार्थना करते हुए बिल्व पत्रों को तोड़ा जाए, फिर भगवान शंकर पर चढ़ाने चाहिए। कुछ निषिद्ध काल है बिल्व पत्र तोड़ने का, जैसे आपने बिल्व पत्र से संबंधित जानकारी कही है तो उससे सभी जानकारी आपको मिल जाए, मैं ये चाहता हूँ। बिल्व पत्र को लिंग पुराण में बतलाया गया है कि इन इन दिनों में बिल्व पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, अगर वो तोड़ता है तो वो नरक में जाता है, यहां तक की बात बतलाई गई है। देखिए, अमारिक्तासु संक्रांत्याम अष्टम्या मिंदुवासरे बिल्व पत्रम नच छिंद्यात् छिंद्यात् चेन्नरकं व्रजेत्। अमा माने अमावस्या, नामैक देशे नाम ग्रहणम, अमा कहने से अमावस्या का पूरा का ग्रहण हो जाता है, यानी अमावस्या में और रिक्तासु रिक्ता तिथियों में, रिक्ता तिथि है चतुर्थी, नौमी और चतुर्दशी, तो अमावस्या चतुर्थी नौमी चतुर्दशी तिथि में, संक्रांतिया संक्रांति से, वैसे तो नौ ग्रहों की संक्रांतियां होती हैं, परंतु संक्रांति केवल संक्रांति कहा जाए तो वहां रवि संक्रांति लेते हैं जो हर महीने पड़ती है, लगभग आप देखेंगे तो 12-13 तारीख से लेकर के और 16-17 तारीख के बीच में हर महीने में सूर्य की संक्रांति होती है, यानी कि सूर्य एक राशि से दूसरी राशि पर संक्रमित तो होते हैं जाते हैं, उसको सूर्य संक्रांति कहते हैं। तो जिस दिन सूर्य संक्रांति हो उस दिन भी बिल्व पत्र का त्रोटन, बिल्व पत्र का छेदन, बिल्व पत्र को तोड़ना नहीं चाहिए। अष्टम्याम इंदुवासरे, अष्टमी के दिन, और इंदुवासर, इंदु माने होता है चंद्र, तो चंद्रवार यानी सोमवार के दिन भी बिल्व पत्र को नहीं तोड़े। ध्यान देना कि सामान्य रूप से भगवान शंकर का सोमवार में तो विशेष पूजन होता ही है, तो लोग सोमवार में बिल्व पत्र तोड़ते हैं कि आज पूजन करेंगे, और बिल्व पत्र का सोमवार में तोड़ना ही निषिद्ध है, तो रविवार में तोड़ करके बिल्व पत्र रखें, और रविवार के दिन भी यदि अमावस्या चतुर्दशी अष्टमी चतुर्थी या जो है संक्रांति इत्यादि काल पड़ा हुआ है तो और भी जो है शनिवार में ही तोड़ के रख ले, बिल्व पत्र पर्युषित नहीं होता है, परंतु उसको उस दिन न तोड़े, पहले ही तोड़ करके रखें और वो बासी नहीं माना जाएगा उसको ही। अगर आप जो है पहले तोड़ के नहीं रख पाए हैं, या जो आप नित्य प्रति बिल्व पत्र का अर्चन करते हैं पूजन करते हैं बिल्व पत्र के द्वारा, तो लिखा हुआ है कि अभाव में जहां कोई बिल्व पत्र का वृक्ष नहीं मिल रहा है, या आपने पहले से नहीं रख पाया, निषिद्ध काल आ गया, और भी कोई जो है ऐसा व्यवधान है, तो लिखा है कि बिल्व पत्र जो भगवान शंकर पर चढ़े हुए हैं उनको ही धो करके आप समर्पित कर सकते हैं, इतना प्रिय है भगवान शंकर को। देखिएगा ये जो है स्कंद पुराण का वचन है कि अर्पितान्यपि बिल्वानि प्रक्षाल्यापि पुनः पुनः शंकरायार्पणीयानि न नवानि यदि क्वचित, नवानि यदि न क्वचित मन कहीं भी यदि नए नहीं मिल रहे हैं, तदा अर्पितानि एव बिल्वानि पुनः पुनः प्रक्षाल्य शंकराय अर्पणीयानि, जो बिल्व पत्र यदि नहीं मिले तो वो ही धो करके पुनः 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 पुनः, मैंने एक बार चढ़ा दिए फिर नहीं मिले तो फिर भी उनको धो करके दोबारा तिवारा भी उनको चढ़ाया जा सकता है। ये बीपसा है, ये जो है ये दर्शा रही है बार बार पुनः पुनः समर्पणीयानि, बार बार भी उनका समर्पण किया जा सकता है। वैसे सामान्य रूप से अगर वासी पुष्प फल आदि हैं तो उनको भगवान पर समर्पित नहीं करना चाहिए, परंतु तुलसी दल, बिल्व पत्र, कमल और माली के यहाँ रखे हुए पुष्प आदि पर्युषित नहीं होते हैं, यानी वासी नहीं माने जाते हैं। तीर्थों का जल, गंगा जल आदि आप ला करके रख लिए तो वो जो है पर्युषित
बासी नहीं होगा। और सामान्य जल आपने भर करके रख लिया कूप आदि से तो वो जल परिशुद्ध हो जाएगा, उसको दूसरे दिन आप पूजन में जो है नहीं ले सकते, ऐसा कहते हैं। बृहन नारदीय पुराण का वचन है कि वर्ज्यम परिशितम तोयम, वर्ज्यम परिशितम पुष्पम और न वर्ज्यम तुलसी पत्रम न वर्ज्यम जाह्नवी जलम, ये जो है परिशित नहीं होते हैं। एक बात और जो है आपको बतलाएं, बहुत सार की बात है कि जैसे कोई कहे कि हमारे पास में जो है पुष्प नहीं है, हम पुष्प नहीं खरीद सकते, ना ही कहीं मिल रहे हैं, तो अब हम कैसे पूजा करें, बिल्वपत्र भी नहीं मिल रहा है हमको। पुष्पाभावे पूजन विधानम, पुष्प का भाव है, अभाव है तो कैसे पूजा करें, अथवा पुष्प है तब भी जो विधि बतला रहे हैं कि सामान्य रूप से बाह्य पुष्पों से, ये जो बाह्य उपचारों से आप देवता का पूजन और अभ्यर्चन कर रहे हैं उससे कई गुना फल है जो मानसिक पुष्प चढ़ाने का। ध्यान में बैठ जाएं, मन में जो है हृदय में आपके हृदय कमल पर इष्ट देवता विराजमान हैं, आप उनका अर्चन वंदन पूजन कर रहे हैं और उसी बीच में स्वर्णों के पुष्पों की माला, कमलों के पुष्पों की माला और भी बहुत सुगंधित पुष्पों की मालाएं, अनेकानेक पुष्पों को, बिल्वादि पत्रों को और दिव्य तुलसी को आप समर्पित कर सकते हैं भावना से मन में, तो उसका अनंत गुणा फल होता है। देखिए क्या कह रहे हैं तत्व सागर संहिता में कि बाह्य पुष्प सहस्राणाम सहस्रायत कोटि भी पूजते यत फलम पुंसाम तत् फलम त्रिदशाधिप, मानसे नैकेन पुष्पेण विद्वानाप्नोत्य संशयम्। देखिए बाह्य पुष्प सहस्राणाम, बाहर के हजारों पुष्पों को, और भी कह रहे सहस्रायुत कोटि भी, दस हजार लाख दस लाख करोड़ पुष्पों को आप जो है बाह्य पुष्पों को समर्पित करें, उनको समर्पित करने से जो पुण्य होता है, पूजते यत फलम पुंसाम, पुंस को यानी मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है, तत् फलम त्रिदशाधिप, हे त्रिदशाधिप, हे देवताओं के स्वामी इंद्र, वही फल एकेन मानसेन पुष्पेण विद्वान आपनोति, वही फल जो करोड़ों पुष्प बाहर से चढ़ाए वो जो फल मिलता है, वही पुष्प मन से एक पुष्प समर्पित करने का वो फल प्राप्त हो जाता है, असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए सबसे पहले आदव मानसी पूजाम, सबसे पहले मानसी पूजा करें और देवता के ऊपर कोई भी कितना भी साधन संपन्न और व्यवस्था संपन्न है, धन संपन्न वैभव संपन्न व्यक्ति है, उसके पास भी सभी प्रकार के पुष्प सदा सर्वदा नहीं मिल सकते और बहुत संख्या में नहीं मिल सकते, परंतु वो भावना से तो समर्पित कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। तो आप निश्चय करें कि अपने इष्ट देवता को भावना से भी पुष्प नित्य प्रति चढ़ाएं और बड़े स्वर्ण के भी पुष्प चढ़ा सकते हैं, हीरक पुष्प चढ़ा सकते हैं और दिव्य पुष्पों का भी जो है देवता पर समर्पित करें इसी विधि से, तो ये महती कृपा देवता की प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार बहुत हो गया पुष्पों से संबंधित, पत्रों से संबंधित जानकारी। इतिशम हर हर महादेव।